आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब एक नाते पाक की तरफ मैं रुख करता हूँ। आपने मिजाज बना ही दिया है तो चार मिसरे और हाजिर करता हूँ बतौर खास। तैयार हो जाइएगा, आप रफ्ता रफ्ता आ रहा हूँ स्पीड पर। के उमर फारूक के जैसा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। उमर फारूक के, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। क्या कहने हैं, क्या बहुत, बहुत, बहुत आपने तालियां बजाई हैं। दिल खैराबादी आपको सलाम इसलिए कर रहा है, किसी न किसी तरीके से आपने मुशायरे को जिंदा किया है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी बढ़ाएगा। जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो और इजाफा हो जाएगा। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। 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 मेरा दावा है, हाँ हाँ मेरा दावा है, उम्मत का बेड़ा पार। क्या कहने हैं बाबा, बाबा अल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हाय हाय हाय। देखिए कोई भी आशिक रसूल उम्र भले ही 70 की हो गई हो मगर दिल 22 साल का रहता है इनका। क्या बात, ये आशिक रसूल की जिंदा मिसाल देख रहे हैं कि कोई शेर आ रहा है, सहाबा की शान में मनकबत आ रही है, तो ऐसा लगा कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जलाल का सदका इनको नसीब हो गया। क्या बात, कह दे सुभान अल्लाह। के उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, अगर किरदार हो जाए। उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए। मेरा दावा है कि उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। मेरा दावा है फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। यहाँ से लेकर मैं उन उलमा इकराम की दुआएं लेना चाहता हूँ जिन अकाबिर की, जिन उलमा इकराम की मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की दुआएं दिल को दिल बना रही है। अल्लाह ताला तमाम मदारिस इस्लामिया को और तमाम असाज़ा की उम्र में बरकत अता फरमाए। किन निगाहें, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये शेर सुनिएगा, निगाहें सो रही हो। नौजवानों, ये नौजवान बच्चे जो कभी गजल के मुशायरे में मैं जब गीत सुनाता था तो ये बेकाबू होकर के इन्हें ये नहीं पता लगता था कि मैं किस कंडीशन में हूँ। वो कुर्सी को निकाल उठा करके पूरा मुजाहिरा करते थे। आज बहुत अदब से बैठे हुए हैं। इन नौजवान बच्चों को दिल खैराबादी ये मिसरा दे रहा है, मुलाहजा फरमाए। कि निगाहें सो रही हो, सो रही हो, सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। तवज्जो क्या होगा, कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। मिसरा ऐसा है कि खुदा की कसम आशिके मुस्तफा खामोश नहीं बैठा रह सकता। अब जरूर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा जिसमें सवाब में इजाफा होगा। मुलाहजा फरमाए। कि निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। निगाहें सो रही हो।
मोहम्मद अपने सुखा था तुम्हें दीदार हो जाए। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह वाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया रजब भाई। मैं चूंकि आपसे थोड़ा सा बड़ा हूँ उम्र में, ये छोटा सा मशवरा आप इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह, कोई भी जब शेर सामईन तक पहुंच जाए तो आपकी वाह वाह तो बहुत एनर्जी देती है, अगर नारे तकबीर से उसका इस्तेमाल जब कर लेंगे तो चार चांद उस पर लग जाएगा। इसका ख्याल रखिएगा, मुलाहजा फरमाए कि उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए मेरा दावा है फिर हिम्मत का बेड़ा पार हो जाए। निगाहें सो रही है, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा फाता तुम्हें दीदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा फाता तुम्हें दीदार हो जाए। मोहम्मद मुस्तफा फाता तुम्हें दीदार हो जाए। जब तमाम शुरा ने जनाब माइक ऑपरेटर शबनम, पहली बार देखने में आया आजमगढ़ की धरती पर कि शबनमी माइक से मोहब्बत की चिंगारी नजर आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। अब एक नाते पाक तक दिल खैराबादी पहुंच रहा है। अल्लाह करे कि आप तमाम हजरात दिल खैराबादी के साथ सफर करें, और तमाम मेहमानान का मैं बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूं कि वो तैयब शेख साहब हो, मेहमान एजाजी सरपरस्त मुशायरा जनाब शाहिद अख्तर साहब, और जनाब रिजवान हाजी रिजवान साहब, जनाब हाफिज सुफियान साहब। अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। आइए मिस्र तक पहुंच गया, अल्लाह करे कि ये भी मिसरा आपके हुजूर पहुंच जाए। आपका मिजाज देखते हुए चार मिसरे में आपकी अदालत में रखता हूं। आपका जज्बा आपके रगों में इस वक्त जो है, खुदा की कसम कसम खा के कह सकता हूं कि बिल्कुल जोश भरा हुआ है। और ये तमाम शोरा, वो चाहे असद भाई हो, चाहे ताबिश भाई हो, चाहे आमिर साहब हो, चाहे यासिर साहब हो, या ये तालिबे इल्म, खलिस नाते पाक, बहुत ही प्यारी नाते पाक इस बच्चे ने पढ़ी थी ऐवान में और तूफान में। बहुत अल्लाह अल्लाह ताला इस बच्चे की भी हिफाजत फरमाए, आमीन। मिसरा पेशे खिदमत में लाहजा फरमाए कि जब शायर बहुत ज्यादा अलापने की कोशिश करे, नातिया शायरी में अक्सर यही होता है कि शायर इसलिए बहुत देर तक अलापता है कि आपकी सुभान अल्लाह की सदा उसको तकवियत बख्शे, मगर जब आप खामोश होकर के देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं सामने कि इनकी कब रूह निकले। तो ऐसा न हो, और कोई बात नहीं, अगर रूह निकलेगी तो नाते पाक पढ़ते पढ़ते अगर किसी की रूह निकले तो इंशाअल्लाह वो उसकी मगफरत का सबब बन सकती है नाते पाक। मतलब हाजिर करता हूँ, जब आपको लगे सुभान अल्लाह जरूरत मुझे पड़े तो मैं आपको इशारा करूंगा, आप रिटेल सुभान अल्लाह कहेंगे तो मजा आ जाएगा। अब आइए पेश करता हूँ मुलाहजा फरमाए, क्या बात है यार, कुछ भी पढ़ाओ पढ़ने के लिए तैयार हैं आप। काश कि जिस तरीके से एक शायर इस तरीके से कह रहा है, सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह कहते हैं,
जब जोर से कहा जाए जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। काश हम अपने वालिदैन को भी ऐसे चाहते कि एक बार माँ कहती है बेटा पानी लेके आ तो दौड़ करके वो पानी लेके आता। अल्लाह करे वालिदैन की हम सब खिदमत करने वाले हो जाए। पेश करता हूँ लहजा फरमाए कि हम हजरत मूसा का हम हजरत मूसा देखिएगा हम हजरत मूसा का हम हजरत मूसा का हम हजरत मूसा का बड़ा सख्ती शायर हो जब तक एक एक हाथ हवा में नहीं लहराता नजर आएगा एवन मीडिया पर तब तक दिल खैराबादी सिर्फ मूसा ही तक रहेगा पहुंचेगा नहीं वहां तक लहजा फरमाए कि हम हजरत मूसा का हम हजरत मूसा का हम हजरत हम हज हज जीत गए भाई जीत गए। अब मैं भी दौड़ लगाता हूँ कि हम हजरत मूसा का आशा ढूंढ रहे हैं हम हजार हो गए आशा ढूंढ रहे हैं। अब दिल खैराबादी गरम हुआ है अब देखता हूँ आप जब तक बैठेंगे दिल खैराबादी आजमगढ़ की धरती इस मिट्टी का है पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ पूरे मजमे से कहता हूँ कि जब तक बैठ के सुनेंगे तब तक ये बंदा भागने वाला नहीं है। क्या बात अब दोनों आजमगढ़ का सामना है अब देखता है कि इस काली मिट्टी में दम है या वो सफेद मिट्टी में। पेश करता हूँ मुलाहजा फरमाए तवज्जो चाहूंगा काली मिट्टी से एक मेरा मतला याद आ गया सुना लो जी जी निगाहे मुस्तफा में कोई हाजी रिजवान साहब आप ही जैसे कल वहाँ एजाज भाई है जैसे मैं पढ़ना शुरू किया वो पूरी गड्डी लुटा दिए पता नहीं वो कैसे दीवाने थे मगर थे आप ही जैसे। पेश करता हूँ मुलाहजा फरमाए कि निगाहें निगाहें मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है पेश करता हूँ यासिर भाई ये सिर्फ जुमला इन्हीं पर नहीं है आप भी अगर बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं तो ले सकते हैं। पेश करता हूँ लहजा फरमाए कि निगाहे मुस्तफा में कोई गोरा है न काला है वाह 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 क्या कहने बहुत अच्छे माशाल्लाह कि निगाहे बहुत शुक्रिया हाजी रिजवान साहब। देखिए सिर्फ जुमला कभी कभी जुमला जो है काम आ जाता है। आपने रिजवान भाई चोरी छुपके जो मेरी पॉकेट में रखा है अल्लाह करे कि इस पॉकेट में आप जो रखे हैं इसके सदके में चूंकि नाते पाक का शेर इसमें है और मनकबत है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु की चुपके चुपके जैसे आपने मेरी मदद कर दी अल्लाह ताला कल मैदान हश्र में आपकी इसी तरीके से चुपके चुपके मदद कर दे। कह दे सुभान अल्लाह निगाहे गोरा है न काला है से इश्क़ है जिसको नबी से इश्क़
वही अल्लाह वाला है। क्या कहने हैं ये काले गोरे की बात आ गई। आइए गार तक लेके चलता है मिसरा। ये पेश करता हूँ हाफिज सुफियान साहब के भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और एक खुशहाल हवेली में मैं अभी होकर के आया हूँ। आइए हवेली तक मेरी आवाज पहुँचा दीजिएगा। मुलाहजा फरमाए तवज्जो चाहूंगा। हवेली से मुराद क्या है आप समझिएगा कि खुदाए पाक ने कुफार को मिसरा देखिएगा कि खुदाए पाक ने कुफार को हैरत में डाला है। तवज्जो चाहूंगा मिसरा अगर कुर्सी तक पहुंच रहा है और कुर्सी से लेकर आयतल कुर्सी वालों तक तो आप भी सुभान अल्लाह आपकी दाद मुझको इंशाअल्लाह मेरे शेर में इजाफा करेगी। मुलाहिजा फरमाए निगाहें मुस्तफा में कोई मोरा है न काला है नबी पे इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। होता है मकड़ी का जाला है। वाह 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 सुभान अल्लाह। और आपने पर मकड़ी का जाला है नबी है घर में नबी है घर में और बाहर पर मकड़ी का जाला है। हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं। क्या कह शरीक हो जाइए मैं पहुंचूंगा उसी मोड़ पर जिस मोड़ पर आप मिलेंगे। तवज्जो चाहूंगा यासीन भाई आप मुस्कुराते ही हुए बहुत ही हसीन लगते हैं और ये हसीन मिसरा हसीन समाज की नजर दिल खैराबादी करता है। मुलाहजा फरमाए जजाकल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए मैंने चार चार पॉकेट वाली सदरी पहनी है। क्या बात क्या क्या जुमले। देखिए ये आजमगढ़ की मिट्टी की खुशबू ये आजमगढ़ को नाज इसलिए नहीं है मगर इसलिए है कि जहां तहजीब की हिफाजत की जाती है। मैं कभी कभी उस इस तहजीब पे कभी कभी धब्बा बन जाता हूँ। मेरी कभी कभी हरकत जब सामयीन नहीं बोलते तो रिवायत से हटा करके इनको जगाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरी गलती है। अल्लाह इस गलती को मुझको सुधारने की तौफीक अता फरमाए। पेश करता हूँ मतलब बतौर खास मुलाहजा फरमाए कि हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं। एक शख्स ऐसा लग रहा है मोहब्बत की तलवार नहीं बल्कि ऐसी गुफ्तार लिए हुए हैं जो इंशाअल्लाह आने वाले तमाम दुश्मनाने इस्लाम के ये छक्के छोड़ाने वाले हैं।
क्या बात, बहुत शुक्रिया, तैयार रहना, ये मिसरा उठा रहा हूँ कि हम हजरत मूसा का, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, असा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, कज़ा ढूंढ रहे हैं, हम हजरत मूसा का असा ढूंढ रहे हैं, फिर फिरऔन के लश्कर पर कज़ा ढूंढ रहे हैं, पैगंबरपुर हो चाहे फतेहपुर हो चाहे महमूदाबाद हो, उन जगहों पर ऐसे शेर बहुत ही होशियारी के साथ सुनते हैं। आइए वो शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं कि हंसते हुए, हंसते हुए असद भाई के हंसते हुए, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, हम हजरत मूसा का असर ढूंढ रहे हैं, फिरऔन के लश्कर की कज़ा ढूंढ रहे हैं, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, के हंसते हुए, हंसते हुए पी जाते थे, हंसते हुए पी जाते थे जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, जो जाम शहादत, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, क्या कहने हैं बाबा का नशा ढूंढ रहे हैं, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, उन मर्द मुजाहिद का नशा ढूंढ रहे हैं, तकरीबन 3 साल के बाद आजमगढ़ की धरती पर कोई प्रोग्राम पढ़ने का शरफ हासिल हो रहा है, इसलिए कि आज जो दौर चल रहा है, एक मतला देखिए, मैं इन नौजवानों को तो कुछ भी सुना दूं, कभी कभी होता है ना कि अंधभक्त ये कभी कभी ऐसा होता, दिल खैराबादी, हाँ तो दिल खैराबादी पढ़ेगा तो मैं वाह वाह करूंगा, जैसे कहते हैं कि मोदी भक्त, तो उसी तरीके से दिल खैराबादी कुछ भी पढ़े, कुछ बच्चे हैं वो जिद किए रहते हैं, दिल खैराबादी को ऐसे ही सुना जाता है, मैंने मोबाइल पे देखा है, तो वो रस्म अदा करते हैं, मगर उन लोगों को सुनाना चाहता हूँ जो दुआएं दे करके, जिनकी दुआ में बड़ा असर हुआ करता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र सुबह शाम किया करते हैं, ये तमाम उलमाए इकराम, इनको दिल खैराबादी अकीदत भरा सलाम पेश करता है, और एक मतला आपके हुजूर पहुंचाता हूं, और आपसे लेकर ये तमाम नौजवान नई नस्ल तक पहुंचेगा, मिसरा मुलाहिजा फरमाएं कि परवरदिगार हाँ नहीं
अब्यास कुछ भी पढ़ो, ये आशिकाने रसूल का मजमा लहलाता हुआ न जाने एक जमाने के बाद मेरे दामन में जो कमियां थी, अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मोहब्बतें आ गई, वो दामन पूरा नजर आता हुआ। क्या रहा है, आप आगे आ जाइए इधर, इसलिए कि मैं जानता हूँ ऐसे ऐसे शेर हैं कहीं कूद के आप बाहर हो जाएंगे। शेर तो बड़ा अजीब सा है, मुलाहिज़ा फरमाएं क्या कहने। अगर एक बात मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी आपसे खुदा की कसम मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तो मोहब्बत का ये तकाजा है कि अगर एक 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 आशिक अपने माशूक से ये कहे कि तुम अगर यहाँ आ जाते तो और दिल खैराबादी का सीना चौड़ा हो जाता। अगर मोहब्बत सच्ची है, मोहब्बत सच्ची, बैठेंगे आप मुशायरा, अगर ये कामयाब कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है इनको इनको उधर नहीं, इनको दिल पर बैठाया जाए। आ जाए मेरे भाई, आप जैसे सुन रहे, आप थोड़ा सामने आ जाए, आपको देखना चाहता है मजमा कि आप कैसे। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये मेहमान नवाजी का आपने बहुत अच्छा सबूत दिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, ये मेहमान नवाजी का क्या सबूत दिया है, जिंदाबाद। अभी एक घंटा हुआ है चतरा की सरजमीन पर, खुदा की कसम मैंने 3.5 घंटा कंटिन्यूस पढ़ा है, ये मेरे जिंदगी का सबसे पहला और आखिरी लग रहा है। अब तो 3.5 घंटा अगर पढ़ूं तो हो सकता है कि माइक वाला जो है परेशान न हो जाए। इसी तरीके से एक शायर था, बहुत देर से इतनी एक पढ़ रहा था, दो पढ़ रहा था, तीन पढ़ रहा था, चार पढ़ रहा था, पांच पढ़ रहा था, एक साहब गुस्से में आए, लाठी लेकर के चचा आए। ये शायर घबराया, भाई ये क्या माजरा है। तो वो कह के, नहीं 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 तू पढ़ा भैया, हम ये सोच रहे हैं कि तुमको बुलाया कौन है, उसको ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, इधर मत देखिए, मैंने इधर खुदा की कसम बिल्कुल नहीं, ये ऐसा मैंने क्या लोगों को कहते हुए सुना है। तैयार हो गए आप, तो मैं भी कहां कम तैयार हूं, मेरी तैयारी देखिए और आपकी तैयारी आपके पास मुलाहिज़ा फरमाएं कि परवरदिगार गुड भाई शबनम साउंड के परवरदिगार ये मोहब्बत आपकी मैं भी बैठे बैठे लेना चाहता हूँ। लगा रहा है कि Oh,
एक अजीब सा मिसरा आपके इंशाल्लाह मेरे ज़हन से निकल कर आपके दिल तक दस्तक देगा। मुलाहिज़ा फरमाए इंशाअल्लाह के मुज़म्मिल मुद्दसिर गए कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह के मुज़म्मिल मुद्दसिर गए मुज़म्मिल मुद्दसिर गए मुज़म्मिल मुद्दसिर गए रुतबा सरकार का ना एक अंदाज मगर शेर में भी थोड़ा सा अगर दम नजर आए तो ऐसा ऐसी दाद दीजिए कि दिल खैराबादी का इंशाल्लाह ये शेर हम सबकी निजात का जरिया बन जाए। पेश करता हूं कि परवरदिगार सरकार माहौल के भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मैं नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ बेचारे सूफी जैसे हैं सीधे साधे। अल्लाह ताला इनकी दुआएं मुझे नसीब अता फरमाए। आमीन। आपको देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही अपना चाहने वाला है। ये नौजवान टीम उलमा इकराम की अब शेर हाजिर करता हूँ। अल्लाह फरमाए रुतबा सरकार का जिसने खैराबाद से निकाल कर मऊ से निकाल कर मेरी शोहरत में इजाफा किया है वो मास्टर अय्यूब वफा साहब का दिल खैराबादी का शेर पहुंचा रहा है। दिल खैराबादी मुलाहिज़ा फरमाए कि रौज़े से दूर है तो आप रोजे रसूल के करीब जा चुके हैं। हम नहीं गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको रोजे पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। कि रोजे से आजमगढ़ में
पढ़ा जा सकता है, सुना जा सकता है और सराहा जा सकता है। इन तमाम नौजवान टीम में एक बुजुर्ग शख्सियत मैं देख रहा हूँ। दाढ़ियां तो नहीं है मगर उनके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है कि वो पंजवक्ता बाजमात नमाज पढ़ने वाला बंदा है। दिल खैराबादी उनके चेहरे का नूर लेकर एक मिसरा उठाता है। आप ये अदालत इस नूरानी महफिल में अल्लाह नूर नूर कर दे। पेश करता हूं कि हर किजना बेटियों को बेटी पे बहुत सारे शेर आप तमामी हजरात सुनते हैं और सुनते रहेंगे। जिंदगी का क्या भरोसा है, ये हो सकता है कि मेरा शेर आपको याद आ जाए। पढ़ती गए आयत आयत खुतबा सरकार का कि हर किजना बेटियों को समझो हकीर तुम। हरगिज़ ना बेटियों को स्टेज वाला शेर है कि हरगिज़ ना बेटियों को हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम है समझो हकीर तुम है हरगिज़ ना बेटियों को समझो हकीर तुम है समझो हकीर तुम है बनता है बेटियों के बनता है बेटियों के सजना सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं बाबा बाबा सजना सरकार पे जा रहे हैं बाबा। बनता है बेटियों के सजना सरकार का सजना सरकार का सजना सरकार का। नौजवानों को जो शुरू से आखिर तक ऐसा लग रहा है बिल्कुल जंग करने के लिए तैयार है। इन जाबाज उर्दू के सिपाहियों की नजर दिल खैराबादी का एक बड़ा ही अजीब शेर। एक हम भी शादी करते हैं अपनी बच्ची की, एक शादी मुबारक शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी अम्मी उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह पेश करता हूं। शेर पाकीज़ा शेर पाकीज़ा सवाल और दिल खैराबादी गुनहगार के लिए शेर किया जा रहा है। सजरा सरकार का बेटी का अक़्द करके हम यही बेटी कह रहे हैं कि कम से कम 50,000 रुपए के पटाखे फोड़ दे पूरे जिले में तहलका मच जाए तब लगेगा कि हमारी बेटी की शादी है। आइए एक पाक साथ साथ बात कर रहा है दिल खैराबादी जिनकी साथ शादी का जिक्र करना भी इबादत है। मुलाहिजा फरमाएं कि बेटी का अक़्द करके शायरी हो रही है जिंदा।
और तमाम उलमा इकराम ये नौजवान टीम अल्लाह ताला हम सबको कहने से और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। फिर शेर हाजिर करता हूं कि बेटी का काम करके पढ़ रहा हूँ। आज के दौर में मीडिया के जरिए हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया में कलाम बड़ी तेजी से पढ़ा जा रहा है। दिल खैराबादी मकता पहुंचाता है। आप आजमगढ़ की धरती से बैंगलोर जनाबे हजरत अलहाज बाबा जी तक दिल खैराबादी का इसरा था कि दिल की तकदीर की भी आमीन कहिएगा। शेर अच्छा है कि दिल की एक दिन राज हो तवज्जो होगा से आम का नाथिया मुशायरे का इन्होंने हक अदा कर दिया शायरी पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नाते पाक का हक मुशायरे का हक ये अलग चीज है। नाते पाक का हक तो पूरी दुनिया मिलकर के नहीं अदा कर सकती। क्या बात है, ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। ताखीर ज्यादा हो गई और जरूरी जरूरी है कि जैसे मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती साजिद साहब अल कासमी दामत बरकातहु जिस वक्त गुफ्तगु छेड़ी थी उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मुबारक उनकी उम्र मुबारक बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक मैं मेरी नाते पाक है। उस नाते पाक को दिल खैराबादी नज़्म करके पढ़ता है। हजरत मुफ्ती साहब नज़्म में बयान कर रहे थे, अगर इजाजत हो तो उस नाते पाक को मैं पढ़ूं। मुफ्ती साहब की जो आखिरी में तकरीर हुई इजाजत हो तो एक बार हाथ उठाकर मुझे जारी करिए। एक मेरा मसला याद आ गया जी। चाचा आपको देख रहा हूँ, मेरे वालिद साहब तो दुनिया में नहीं है, मेरे वालिद साहब का रंग इतना गोरा नहीं था, मगर 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 अल्लाह का शुक्र था कि उनको देखने के बाद उनके भी यहाँ पे जो धब्बा लगा है ऐसे ही लगता था। आइए इस धब्बे को देखते हुए दिल खैराबादी एक मतलब पेश करता है, अजीब सा मतलब लगा है कि ये दुनिया के किसी क्रीम किसी पाउडर किसी किस्मों में वो ताकत नहीं है जो चेहरे पे नूरानी चमक हो सकती है मगर नूर पैदा नहीं कर सकती। आइए नूर कैसे पैदा होगा दिल खैराबादी पर इसी पर अमल करिए। यासीर भाई सुनिएगा बसुरी
असद बाबू ने कहा कि मैं जवान हूँ, दिल खैराबादी साहब मेरे चचा हैं, बुजुर्ग मैं मुशायरे को बना दूंगा। अब लग रहा है कि आप पे बुजुर्गी तारी हो गई है, क्या अल्लाह करे कि थोड़ा सा निकल करके आइए और इसे मिसरे को दिल में बिठाइए। लहजा फरमाए कि सरजूरी तहारे घर की दोबारा मत पढ़वाइए, एक शेर और पेश कर रहा हूँ। आज के दौर में वो भी नातिया शायरी और ये तमाम पैंट पहनने वाले नातिया अशार की हिफाजत कर रहे हैं, यानी कि जिंदा कौम वो पैंट पहने चाहे कुछ भी पहन ले, इंशाल्लाह कजा नहीं होगा। लेकिन हम सब मैं सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे पंजवक्ता बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब शेर देखिएगा कि शहीदी की जरा दो तीन लोग कह दो मीठे अल्फाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, के शहीदीन की हुक्मरानी रहेगी, मदीना सदा